तो आज हम सीखेंगे कि कैसे अगर एडसेंस में आपको भी इस तरह के इरर शो कर रहे हैं जैसे कि अर्निंग एट रिस्क, यू नीड टू फिक्स सम ads.txt फाइल इशू टू अवॉइड सीवियर इम्पैक्ट टू योर रेवेन्यू। अगर इस तरह का इरर आपके भी एडसेंस अकाउंट में आ रहा है तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि इस तरह के इरर तभी आते हैं जब हाल ही में आपको कोई नए वेबसाइट पे आपको नया नया एडसेंस का अप्रूवल मिला होता है। तो मुझे कल या परसों आई थिंक मुझे ये आत्मजीवनी जो आपको दिख रहा है इस पर मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला है, इसलिए ये इरर अभी यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हैं। जो ब्लॉगर वाले हैं जनरली उसके लिए है ये वीडियो, ब्लॉगर में कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो इरर मैसेज शो कर रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फिक्स नाउ लिखा है तो उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक कर लेने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर लिखा है क्रिएट एन ads.txt फाइल फॉर वन साइट। तो यहाँ पे आप नीचे में आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है प्लस आपको एक डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और आपके पास एक ads.txt फाइल डाउनलोड हो जाएगा, आप सेव कर दीजिए। आपको क्या करना है उसके बाद उस ads.txt फाइल को ओपन कर लेना है जो अभी अभी आपने डाउनलोड किया है और उसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको पूरा ऑल सेलेक्ट करना है और उसको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ब्लॉगर डैशबोर्ड में जाना है और आपको जो नया से एडसेंस का अप्रूवल मिला है जिस भी साइट पे, तो उस साइट को आपको ब्लॉगर में खोल लेना है। तो मैं इस वाले को आत्मजीवनी पे नया नया एडसेंस अप्रूवल मिला है तो मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके सेटिंग्स पर आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे जो इंटरफेस मिलेगा वहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है, स्क्रॉल करना है और नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम ads.txt। आपका हो सकता है ये वाला टुगल जो है ऑफ हो तो आपको इसे ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको कस्टम एड्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने वहाँ से जो भी कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हालांकि मैंने पहले से कर रखा है तो आपको सिंपली क्या करना है, इस टूगल को पहले ऑन करना है फिर इस कस्टम ads.txt पे क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, आपने वहां से जो भी कॉपी किया था यहां पे पेस्ट करना है, उसके बाद सेव करना है। और सेव करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने सेव कर दिया और ये लगालग ये इरर जो है चला जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसे जब तक एडसेंस दोबारा आपकी साइट को क्राउल नहीं कर लेता इस इरर के लिए तब तक ये इरर शो करते रहेगा। तो इट मे बी 7 डेज और 3 to 4 डेज के अंदर ही हो जाता है। और आपको अगर अभी भी डाउट हो रहा है कि ये इरर मैसेज 2-3 दिन तक शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो सेटिंग्स था या फिर आपने जो ये टेक्स्ट फाइल अपलोड किया है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ब्लॉगर पे जाना है, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को खोल लेना है। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ये जो ब्लॉगर में होस्टेड जो साइट है उसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। खोलने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एड्रेस बार में जो URL दिख रहा है आपको, URL में आपको क्या करना है, स्लैश के बाद सिंपली लिखना है ads.txt, ठीक है। अगर आपका सेटिंग अच्छे से नहीं हुआ है तो ये जो लिंक मैंने अभी टाइप किया है वो क्या होगा, फुल्ली ब्लैंक पे जाना चाहिए, लेकिन मैंने तो अभी फिक्स कर लिया है। तो ये क्या होगा, वहाँ पे मैंने जो कॉपी करके पेस्ट किया था वो वाला वहाँ शो करेगा। तो मैं यहाँ पे एंटर हिट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मैंने ये डाउनलोड किया था जो कोड वो एग्जैक्टली कोड यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने जो URL है उसमें बस ads.txt जोड़ के एंटर करके आप चेक कर सकते हैं कि ये जो इरर है आपने फिक्स किया या नहीं किया या फिर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। आपने ऐसा करने के बाद ये इरर शो करते रहेगा जब तक कि वो नेक्स्ट क्राउल नहीं करता। तो आपने फिक्स कर दिया है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही एडसेंस आपके वेबसाइट को दोबारा क्राउल करेगा तो ये इरर फिक्स हो जाएगा।